कृष्णा प्रभु, मेरा सवाल था कि हमें धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता ही क्या है। उसके लिए हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। बस इतना ही है, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न है कि धर्म की स्थापना की आवश्यकता ही क्या है। मतलब भगवान के आने की संसार में कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस संसार में आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। और आपका प्रश्न है कि धर्म की स्थापना की आवश्यकता ही क्या है। देखिए, अब मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं कि आप कैसी स्थिति में रहना चाहेंगे। एक ऐसी स्थिति में रहना चाहेंगे जहां कोई भी व्यक्ति आए और आपकी दुकान में डाका डाल के ले जाए। एक ऐसी स्थिति में रहना चाहेंगे जहां कोई भी व्यक्ति आए आपकी माता बहनों को पकड़ के ले जाए। कोई भी व्यक्ति आए किसी भी का भी गला काट दे, कोई नियम नहीं, कोई दंड देने की परंपरा नहीं। ठीक है, तो ये बात पहली हो गई। तो क्या आप ऐसे समाज में रहना चाहते हैं? नहीं चाहते ना। तो यदि ऐसे समाज में आप रह रहे हैं तो वो अधार्मिक समाज है, अधर्म की अवस्था है। और अधर्म की अवस्था में कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक तरीके से रह नहीं सकता है। तो यदि हम चाहते हैं कि जीवन में शांतिपूर्वक रहें, और वो तभी संभव है जब धर्म की स्थापना वहां पर हो। तो धर्म की स्थापना होगी तो स्वाभाविक रूप से शांतिपूर्वक लोग अपना जीवन बिता पाएंगे, और उस शांतिपूर्वक अवस्था में जीवन का जो परम लक्ष्य है उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये तो पहली बात है कि धर्म की स्थापना से वास्तव में व्यक्ति के जीवन में क्या आती है, एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार होता है कि वहां वो पीसफुली रह सकता है। आप नहीं रहना चाहते ना ऐसे ऐसी बुरी अवस्था में, तो धर्म की अवस्था में रहना चाहते हैं। तो ये पहली चीज हो गई कि धर्म की स्थापना क्यों आवश्यक है। ये एक पक्ष है धर्म की स्थापना का, मतलब उसको हम कहते हैं प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर। यदि कोई धर्म के अनुसार पालन करे, धर्म में क्या होता है, व्यक्ति अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करता है। तो कौन पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन करे? कौन पति नहीं चाहता कि उसकी पत्नी अच्छे से कर्तव्यों का पालन करे? कौन सा सेठ ये नहीं चाहता कि उसका जो नौकर है, उसका जो एम्प्लॉय है, वो अच्छे से अपनी ड्यूटी करे? कौन सा नौकर एम्प्लॉय नहीं चाहता कि उसका सेठ अच्छे से उसको सैलरी दे, तो महीने भर काम कराया सैलरी नहीं देना है? तो ये सब अधर्म के पक्ष है ना। धर्म का पालन, नैमित्तिक धर्म जिसको हम कहते हैं, एक पिता के रूप में, माता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, राजा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, वैश्य के रूप में, जिस रूप में जिसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का सही तरीके से पालन करना, वो धर्म है, नैमित्तिक धर्म है। ये तो पहला पक्ष हो गया। दूसरे, धर्म की स्थापना की क्यों आवश्यक है। धर्म का पहले आप समझिए धर्म क्या होता है। धर्म व्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था होती है। धर्म व्यक्ति की वो अवस्था होती है जिसको आप उससे अलग नहीं कर सकते, नेचुरल स्टेज जो उसकी होती है, प्राकृतिक जो उसका गुण होता है। जैसे उसका जो प्राकृतिक स्वभाव होता है, जैसे नमक का क्या होता है गुणधर्म, खारापन, सॉल्टीनेस। शक्कर का क्या होता है, बिना मीठी शक्कर नहीं हो, बिना खारा नमक नहीं। तो ऐसे जीवात्मा का भी स्वभाव है, जीवात्मा का भी धर्म है। वो धर्म क्या है जीवात्मा का? प्रेम और सेवा। तो इस प्रेम और सेवा के बिना व्यक्ति संसार में रह नहीं पाएगा। किसी ना किसी की सेवा उसको करनी पड़ेगी, किसी ना किसी से प्रेम उसको करना पड़ेगा। इसलिए भगवान इस संसार में आते हैं और जो दुष्ट होते हैं उनका विनाश कर देते हैं और एक ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करते हैं कि योग्य राजा को, धार्मिक राजा को भगवान स्थान प्रदान करते हैं, ताकि उस वातावरण में रह के जो मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उस भगवत प्राप्ति की दिशा में क्या हो सके, लोग आगे बढ़ सके। और इसलिए आप देखिए जो जो मिसक्रिएंट्स हैं, दुष्ट बुरे काम करने वाले, चाहे रावण हो चाहे हिरण्यकश्यप हो, भगवान ने आके उन सबको मारा और धर्म की स्थापना की। एक धार्मिक राजा को, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो विभीषण हो, और चाहे वो स्वयं भगवान हो रामचंद्र जी के रूप में, और चाहे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को स्थापित किया। तो इसीलिए धर्म की रक्षा बहुत आवश्यक है ताकि हम सब पीसफुली रह सकें। न केवल पीसफुली रह सकें, वो तो हम कहीं भी रह सकते हैं, बल्कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम आगे बढ़ सकें। इसलिए सृष्टि में धर्म की स्थापना होना परम आवश्यक है। ये आया समझ में आपको?